हेलो फ्रेंड्स, वेलकम फॉर चैनल यूपीएससी फॉर यू। सो दोस्तों, आज हम लोग आए हुए हैं आनंद भवन। दोस्तों आनंद भवन जो है, चलिए चलते हैं। दोस्तों यहां से जो है आनंद भवन की एंट्री है, तो चलिए देखते हैं और एंट्री करते हैं। और फाइनली पहले तो आपको यहां पे टिकट लेना पड़ेगा, क्योंकि तभी जो है, बिकॉज अब जो है ये संग्रहालय के रूप में यहां पे है। तो दोस्तों हम लोग आनंद भवन के बारे में जो है जानते हैं कि दोस्तों ये जो है नेहरू और गांधी परिवार का जो दोस्तों आवास रह चुका है, लेकिन अब जो है दोस्तों यहाँ पे संग्रहालय बना दिया गया है, क्योंकि पर्यटक लोग जो है इसको देखने भी आया करते हैं और बहुत से पर्यटक लोग जो है इसको देखते हैं, तो इनसे जो है इनकी अर्निंग भी बहुत अच्छी खासी होती है। दोस्तों आनंद भवन का नाम जो है दोस्तों, इससे पहले स्वराज भवन था, क्योंकि ये जो है नया भवन निर्माण हुआ था, तो नेहरू जी का जो है दोस्तों पहला जो मतलब कि घर कहें तो दोस्तों स्वराज भवन था, लेकिन अब उसके बाद जो है इन्होंने जो नया भवन बनवाया दोस्तों, उसको क्या इन्होंने कहा कि उसको आनंद भवन के नाम से जो है इन्होंने रखा। और दोस्तों मतलब जो बात करें तो अभी आगे हम लोग देखेंगे इसमें कि अंदर भी जो है पूरी फोटोज़ लगी हुई हैं। तो इसी प्रकार से दोस्तों आनंद भवन ये देखिए आप सामने देख सकते हैं, बहुत ही अच्छा लगता है। और यहाँ की लोकेशन की अगर जो बात करें तो सच में दोस्तों वाकई में फिलहाल अगर जो यहाँ पर रहने को मिले तो सच में बड़ा मज़ा आएगा। दोस्तों यहाँ पे जो है नेहरू जी की अस्थियाँ रखी गई थी, जो जवाहरलाल नेहरू जी थे, तो यहाँ पे उनकी अस्थियाँ रखी गई थी। यहाँ पे लिखा हुआ है पूरा, और हर जगह पे यहाँ पे लिखा हुआ है कि क्या है क्या नहीं है। खैर मेरे हिसाब से आप अगर जो आए विजिट करें तो बहुत ही अच्छा लगेगा। तो चलिए दोस्तों अंदर चलते हैं और देखते हैं कि आखिर में क्या है। बट यहाँ पे फोटोग्राफी करना और वीडियो बनाना तो फिलहाल मना है, बट देखते हैं अगर जो बना पाता हूँ तो मैं ज़रूर बनाऊँगा। यहाँ पे बोर्ड लगा हुआ है, पूरा लिखा हुआ है, और ये यहाँ पे अच्छा लिखा हुआ है पूरा कि पारिवारिक दरोहर कक्ष बना हुआ है। मतलब ये जो है फर्स्ट फ्लोर का रखा हुआ है कि फर्स्ट फ्लोर में क्या है। और दोस्तों यहाँ पे जो है नेहरू जी जहाँ मतलब कि पढ़ते थे, या बैठक एक तरीके से कहें, तो ये पूरा जो है बैठक हुआ है, और शीशा लगा हुआ है तो अंदर हम लोग नहीं जा सकते हैं। और यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि नेहरू जी और शायद मोतीलाल नेहरू जी की जो है यहाँ पे फोटो है। तो दोस्तों ये जो है फिलहाल अभी जो है मोतीलाल नेहरू जी का शयन कक्ष है, तो बड़ा अच्छा बेड पड़ा हुआ है। और ये दोस्तों कुर्सी जो है, कहा जाता है कि जब वो चल नहीं पाते थे, बिकॉज जब वो वृद्ध हो गए थे, तो उनको जो है इसी पे बैठा के मतलब कि बाहर जो पब्लिक थी उनको दिखाया जाता था, तो इसी पे बैठ के, बिकॉज इन पे जो है दो हत्थे भी लगे हुए हैं कुर्सी पे। और ये देखिए इनकी जो है छड़ी रखी हुई है मोतीलाल नेहरू जी की, और डायरी भी वैसे रखी हुई है बिल्कुल। दोस्तों मतलब कि बहुत ही साफ सुथरा इन्होंने रखा है। और ये जो है इसका बाहर का लोकेशन है आनंद भवन का। दोस्तों इसके बाद जो है हम लोग स्वराज भवन भी चलेंगे, जो इनका पहले घर था। तो दोस्तों यहाँ पे जो है इंदिरा गांधी जी की शादी हुई थी फिरोज जी के साथ, तो ये देखिए लिखा हुआ भी है कि यहाँ पे इंदिरा तथा फिरोज गांधी का विवाह संपन्न हुआ था। दोस्तों हम सभी लोग जानते हैं कि ये नेहरू जी के विरुद्ध था। दोस्तों ये जो है बहुत ही अच्छा बना हुआ है, और अभी अंदर के लोग देखेंगे। चलिए अंदर देखते हैं कि क्या है। दोस्तों ये जो है तारा मंडल है, और फिलहाल अभी तो जो है बोला गया है जैसा कि 12 बजे यहाँ पे ओपन होगा, तो हम लोग जो है 12 बजे अगर जो वीडियो अंदर बनाने देते हैं तो बनाएंगे। फिलहाल मेरे हिसाब से तो मुश्किल होगा, क्योंकि इतना ही बना पा रहा हूँ। तो
फाइनली दोस्तों हम लोग पहुंच चुके हैं बुक स्टोर पे, मतलब कि यहाँ पे जो है एक बुक्स रखी हुई हैं, बुक स्टोर बना हुआ है पूरा। और यहाँ पे जो है नेहरू जी द्वारा लिखित भी कुछ पुस्तकें हैं, और जो नेहरू जी पे लिखी गई हैं वो भी यहाँ पे बहुत अच्छी अच्छी जो है बुक्स हैं। तो बहुत ही फिलहाल मेरे हिसाब से बहुत ही बेस्ट बना रखा है, और आप जब भी कभी आएँ तो विज़िट ज़रूर करें यहाँ पर। दोस्तों अब जो है हम लोग आ चुके हैं, ये देखिए जो आप फोटोज़ देख रहे हैं, ये जो है जो महिला जो आंदोलन हुए थे तो उनमें जिन लोगों ने हिस्सा लिया था तो उनकी फ़ोटोज़ शूट की गई हैं। और यहाँ पर फिलहाल मेरे हिसाब से आपको फ़ोटोज़ जो हैं बहुत देखने को मिलेंगी, और इनके बारे में फुल डिटेल भी दिया हुआ है। बिकॉज़ मैं अगर जो इनको आपके सामने पढ़ूँगा तो ये वीडियो मेरे हिसाब से बहुत ही ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। तो ये देखिए बुक भी रखी हुई है जवाहरलाल नेहरू की बायोग्राफी जो लिखी गई है, जो इन्होंने खुद की आत्मकथाएं लिखी उसके बारे में भी पूरा डिस्कस किया है। और दोस्तों ये जो है इनके पेरेंट्स हैं, और लिखा हुआ भी है कि हाँ पिता और माँ जो है इनके हैं माता पिताजी। ये देखिए नेहरू जी, दोस्तों ये भी यहाँ पे जो मतलब कि फ़िलहाल मेरे हिसाब से फ़ोटोज़ आपको यहाँ पे जो है फ़ोटो गैलरीज बहुत हैं, बहुत आपको देखने को मिलेगा। और दोस्तों यहाँ पे आनंद भवन का इतिहास दे रखा हुआ है, और अगर जो बात करें इसके इतिहास की, दोस्तों 1857 का जो प्रथम विद्रोह हुआ था उसमें जो ब्रिटिश जो प्रशासन था उसने दोस्तों इसको जो है शेख फैयाज़ अली जो था उसको जो है दोस्तों 19 बीघा भूमि का पट्टा दिया था जिस पर उन्होंने बंगला बनवाया था। और फिर जो है उसके बाद ये सब पूरा सिलसिला चलता रहा, और उसके बाद सन 1899 में जो है नेहरू जी ने जो है इसको ले लिया था। और फिर उसके बाद जब ये नेहरू जी पंडित जवाहरलाल नेहरू जी जब 10 वर्ष के थे तो यहीं पे आ गए थे, क्योंकि दोस्तों नेहरू जी का जो जन्म था वो हुआ था मीरगंज में, यहीं पर इलाहाबाद में कहीं पर पड़ता है मोहल्ला मीरगंज। दोस्तों अब चलिए हम लोग चलते हैं स्वराज भवन, जहाँ पर इंदिरा गांधी जी का भी जन्म हुआ, और बहुत ही पुराना घर भी है इनका, क्योंकि ये जो आनंद भवन था ये इनका नया था। और ये देखिए इंदिरा गांधी जी की जन्मस्थली, और फिलहाल मेरे हिसाब से बहुत ही अच्छा लोकेशन इन्होंने जो है क्रिएट कर रखा है। तो दोस्तों यहाँ पे जो है वो रथ बग्घी एक तरीके से कहें तो रखी हुई है, और ये जो है लालटेन रखी हुई है। तो कहा जाता है कि मोतीलाल नेहरू जो है और जवाहरलाल नेहरू इसी पे चला करते थे। अब जो है दोस्तों फाइनली हम लोग पहुँच चुके हैं इंदिरा गांधी जी के जहाँ पे फोटोज हैं, और ये जो है इंदिरा गांधी जी हैं बहुत छोटे जब थी तब तो उसकी फ़ोटो है, और यहाँ पे लिखा हुआ भी है कि व्यक्ति चित्र इंदिरा गांधी। ये दोस्तों फ़ोटो गैलरी मेरे हिसाब से आप अगर जो जब भी आए तो ये फ़ोटो गैलरी ज़रूर देखें, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा हिस्टोरिकल प्लेस है। और यहाँ पे जब भी देखेंगे, बिकॉज मैंने जो है दोस्तों पूरा देखा है और इसके फ़ोटो भी लिए हैं, और पढ़ने में बहुत अच्छा लगा कि कब क्या हुआ। बिकॉज मैं इस वीडियो में तो आपको इतना पूरा नहीं बता पाऊँगा, बट आप जो है देख सकते हैं वेबसाइट पर आनंद भवन के बारे में पूरा डिटेल दिया हुआ है। और ये देखिए जो है नेहरू जी और इंदिरा गांधी जी, ये इंदिरा गांधी जी बैठी हुई हैं सभी लोगों के साथ, मतलब कि पड़ोस में फ़ोटो के जो है लिखा हुआ भी है कि क्या है। ये देखिए इंदिरा गांधी जी की फ़ोटो, ये देखिए सब इंदिरा गांधी जी की फ़ोटोज़ हैं, और ये जो हैं फिरोज जी हैं और इंदिरा गांधी जी हैं। चलो यहाँ पे जो है आप फोटोज़ ही देख के जो है पूरा समझ सकते हैं, बिकॉज़ मैं जितना आपको समझा पा रहा हूँ उतना तो समझा ही दे रहा हूँ,
बट मेरे हिसाब से आए हैं तो बहुत ही ज़्यादा ऐतिहासिक स्थल है और इसे देखना भी चाहिए। ये देखिए इतना जो है पूरा भीड़ लगी हुई है जो स्पीच दिया करते थे। और दोस्तों ये जब नेहरू जी की डेथ हो गई तो उसका फोटो यहाँ पे लगा हुआ है। दोस्तों यहाँ पे श्रीलंका के जो राष्ट्रपति थे सिनामोजी वो भी आए हुए थे तब, और इंदिरा गांधी जी भी थी जब उनकी डेथ हो गई थी। फिलहाल फ्रेंड्स यहाँ पे जो है फोटोज़ जो हैं बहुत लगी हुई हैं, इनको पूरा एक्सप्लोर करना मेरे लिए मुश्किल है या फिर जो है मतलब कि आपके पास पूरा टाइम हो। फिलहाल मैं तो इनको देख रहा हूँ आपके लिए, मैं बिकॉज़ यहाँ पे दोस्तों इसलिए मैं जल्दी जल्दी बना रहा हूँ बिकॉज़ यहाँ पे जो है गार्ड लोगों ने बोला है कि प्लीज़ आप वीडियो शूट ना कीजिए, तो इसलिए फ़िलहाल मैं जैसे भी जो है जल्दी जल्दी वीडियो फोटोज़ जो है खींच ले रहा हूँ। और दोस्तों फिलहाल मैं आगे भी ऐसे जहाँ कहीं भी जाऊँगा और जिस भी मतलब कि हिस्टोरिकल प्लेस होगा उसमें जाऊँगा तो ज़रूर मैं आपको दिखाऊँगा। सो फ्रेंड्स वीडियो कैसा लगा प्लीज़ आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।